भागलपुर के जिलाधिकारी सुब्रत सेन की आवासीय परिसर का पश्चिमी दीवार लगभग 70 से 80 फीट देर रात तेज बारिश में गिर गया। देर रात लगातार हुई तेज बारिश के कारण दीवार पूरी तरीके से धराशायी हो गई, जिसके बाद भवन निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता मौके पर पहुंचे और मुआयना किया। उन्होंने कहा कि बारिश के कारण ही दीवार गिरी है, गनीमत रही कि दिन में यह दीवार नहीं गिरी, नहीं तो कई लोगों को चोट आ सकती थी। इसी सड़क पे जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल और कुप्पा घाट जाने के साथ साथ कई मोहल्ले के लोग इस तरफ से गुजरते हैं। बरसात के समय गिरने से सड़क पर आवागमन नहीं था, जिसके कारण कोई हादसा नहीं हुआ। वहीं कार्यपालक अभियंता कहना है कि 250 फुट दीवार पुरानी है और क्षतिग्रस्त हो चुकी है, जिसे तोड़कर अब मजबूत बनाने का काम किया जाएगा। इसको जल्दी से रिपेयर करके इसको फिर नया बाउंड्री वॉल, लगभग 260 फीट है अब ये टूटा हुआ, तो लगभग आपका दिख रहा है 70 फीट 70-75 फीट, लेकिन पूरा टेढ़ा हो चुका है 260 फीट। इसको पूरा को डिसमेंटल करके जल्दी से जल्दी इसको बनाने का कार्य शुरू करेंगे। गिरने का क्या कारण लग रहा है सर? गिरने का कारण रात बारिश बहुत तेज हुई थी और बाउंड्री वॉल भी पुराना है, बहुत पुराना है, इस कारण से नेचुरल समझिए। बड़ा हादसा भी हो सकता था सर अगर दिन में गिरता तो? हाँ, बेसिकली यहाँ पे इतना रोड का मार्जिन है कि पब्लिक सब यहाँ तो नहीं रहा, लेकिन थोड़ा हल्का फुल्का चोट उट तो आ ही सकता था। रात में गिरा, इसीलिए कुछ रात में गिरा तो फिर इससे और सुरक्षित रह गया। भागलपुर में अंग जनपदीय धरोहर की लोक गाथा पर आधारित बिहुला बिसारी पूजा का आज दूसरा दिन था, जिसमें पूजा के बाद कलश विसर्जन और मंजूसा विसर्जन किया गया, जिसके चलते आज दिन भर शहर में भीड़ लगी रही। वहीं सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम थे। कलश और मंजूसा विसर्जन के दौरान सड़कों पर भक्तों की भीड़ देखी गई। महिलाओं के सर पर पूजा की कलश और पुरुष मंजूसा को कतारबद्ध तरीके से विधि विधान के साथ विसर्जन करने गंगा नदी की ओर जाते दिखे। साथ ही भगत व भक्तों की भीड़ सड़कों पर उमड़ी रही। वहीं कई सामाजिक व राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने इस त्यौहार को शांति व सौहार्द से मनाने की बात कही। लोगों ने कहा कि यह त्यौहार अपने अंग जनपद का धरोहर है, इसे भाईचारे के साथ मनाएं। आज विसहरी पूजा है भागलपुर में, बिहुला विसहरी का ये पुराना पूजा का परम्परा रहा है और ये गढ़ रहा है, और भागलपुर जिले के चंपा नगर, नाथ नगर और भागलपुर शहर के विभिन्न इलाके में बड़े धूमधाम से श्रद्धालु मनाते हैं, डलिया उलिया चढ़ाते हैं और अपना जो मांगते हैं ईश्वर से, बिहुला से, विसहरी से, वो पूरा भी मनोकामना होता आया है और होते रहेगा। मैं इसी के साथ साथ ये अपील और आग्रह भी करता हूँ भागलपुर शहर वासियों से कि शांति और अमन चैन के साथ इस पर्व त्यौहार को मनाएं, और विसहरी विसर्जन जो 19 तारीख को है, शहरवासी शांतिपूर्वक सही ढंग से कराए और शहर में अमन चैन और शांति लाए और हिंदू मुस्लिम एकता का पैगाम शहर को दे। भागलपुर जिले के सबौर थाना क्षेत्र अंतर्गत एक कलयुगी पुत्र के द्वारा अपने ही पिता की गला में चाकू मारकर हत्या करने का प्रयास का मामला प्रकाश में आया है। सबौर भिट्टी के रहने वाले धनंजय मंडल के इकलौते पुत्र ने अपने ही सगे पिता को गले में चाकू मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायल धनंजय मंडल एग्रीकल्चर कॉलेज में पंप ऑपरेटर के पद पर कार्यरत थे। वहीं अप्रैल माह में सेवानिवृत्त हुए हैं। सेवानिवृत्त होने पर मिले पैसे को मांगने को लेकर घायल के इकलौते पुत्र राजेंद्र प्रसाद कुशवाहा ने एग्रीकल्चर कॉलेज के सरकारी क्वार्टर पहुंचकर पहले रस्सी से गला घोटने का प्रयास किया, उसके बाद धारदार चाकू लेकर गले पर चला दिया। वहीं शोर शराबा सुनकर पहुंचे कॉलेज कर्मियों ने आनन फानन में इलाज के लिए मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया है। घटना की सूचना पर पहुंची सबौर थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी पुत्र को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। मामले पर घायल धनंजय मंडल ने बताया कि मेरे इकलौते पुत्र ने एग्रीकल्चर कॉलेज स्थित सरकारी क्वार्टर में पहुंचकर जान मारने की नीयत से चाकू गले पर चला दी, जिससे मैं जख्मी हो गया, वो पैसे की मांग कर रहा था। मामले पर एएसपी ट्रेनिंग अपराजित लोहान ने बताया कि त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी पुत्र को गिरफ्तार कर लिया गया है, अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। मारने टाइम हम नहीं। आपका घर कहाँ हुआ? आपके बाबू जी हैं जो पीड़ित जी। क्या मामला हुआ है, क्या जानकारी मिला आपको? हमको जानकारी यही मिला कि पैसा के चलते हुआ है, तो इस कारण से उसको मारने का। क्या नाम हुआ बाबू जी का? श्री धनंजय मंडल। घर जिसकी घर हुआ ऊपर, क्या जानकारी मिला, किसने चाकू मारा? बेटा। क्या नाम है? राजेंद्र प्रसाद सिंह। कितना बेटा है, कितने भाई हैं? एक ही बाप है, एक ही पुत्र। किस चीज से मार दिया? पहले रस्सी से किया, उसके बाद चाकू से। क्या लगता है आपको, जान मारने की नीयत से ऐसा किया है? हमको तो लगता है कि जाने मारने के ऐसे किया है, तो वो रस्सी से पहले फंसा है, उसके बाद चाकू से मारा है।
चाप मारा है, उस टाइम कोई नहीं था। थाना को सूचना दिए थे? थाना को क्या सूचना, हम लोग नहीं किए, लेकिन थाना वहाँ जो कि अगली कल्चर में रहता है, अगली कल्चर वाला थाना में से आया है। वहाँ ड्यूटी करते थे क्या एग्रीकल्चर में? हाँ ड्यूटी करते थे, लेकिन अभी रिटायर हो गया। क्या चीज में ड्यूटी? आपकी रक्षाबंधन को खास बनाने के लिए लुक सलोन भागलपुर है तैयार। इस रक्षाबंधन को सेलिब्रेट करें लुक सलोन के साथ, क्योंकि देश की सबसे बड़ी सलोन श्रृंखला लुक सलोन, जिसका स्टोर अब भागलपुर में भी खुल चुका है, में मिल रही है भारी छूट और बम्पर ऑफर। जी हाँ, हमारे स्टोर पर सभी प्रकार की सर्विस पर मिल रही है पूरे 20% की भारी छूट। साथ ही हमारे स्टोर पर मिल रही है कॉम्बो ऑफर की भरमार। जी हाँ, जेंट्स के लिए 650 रूपए में मिलने वाली हेयर कट्स और बॉडी मसाज मात्र 455 रूपए में, 2500 रूपए में मिलने वाला क्लीन अप और डिटेन मात्र 1650 रूपए में, 1900 रूपए में मिलने वाला हेयर स्पा और हेयर कट मात्र 1330 रूपए में, 1600 रूपए में मिलने वाला हेयर कट बियर्ड और डिटेन मात्र 1120 रूपए में, 2500 रूपए में मिलने वाला हेयर स्पा और डिटेन मात्र 1750 रूपए में। साथ ही फीमेल के लिए 850 रूपए में मिलने वाला हेयर कट और बॉडी मसाज मात्र 595 रूपए में, 2500 रूपए में मिलने वाला क्लीन अप और डिटेन मात्र 1650 रूपए में, 2100 रूपए में मिलने वाला हेयर स्पा और हेयर कट मात्र 1470 रूपए में, 2500 रूपए में मिलने वाला हेयर स्पा और डिटेन मात्र 1750 रूपए में। मतलब लुक सलोन के साथ अभी रक्षाबंधन होगा सबसे खास, तो अभी हमारे स्टोर पर आए और बम्पर ऑफर का लाभ उठाए। हमारा पता है लुक सलोन, डॉक्टर आरपी रोड, खलीफा बाग, नियर बिग शॉप, भागलपुर। भागलपुर के एक स्थानीय होटल में भागलपुर जिला मुखिया संघ के द्वारा अध्यक्ष पद के लिए चुनाव आयोजित किया गया, जिसमें सभी प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष पहुंचे। उन्होंने अपना बहुमूल्य मतदान किया और सर्वसम्मति से नौगछिया प्रखंड अध्यक्ष सोनी देवी को जिला अध्यक्ष के रूप में चयन किया गया। इसके साथ जिला संयोजक गोराडी के प्रखंड अध्यक्ष उमाशंकर का भी चयन किया गया। वहीं प्रदेश अध्यक्ष सह चुनाव प्रभारी अमरेंद्र सिंह डूबा ने बताया कि हम लोगों का यह चुनाव विगत 2 वर्षों से नई कमेटी के गठन के रूप में नहीं हुआ था, जिसे आज अध्यक्ष पद के लिए किया गया, जिसमें सभी जिला प्रखंड अध्यक्ष पहुंचे और नए जिला अध्यक्ष और नए प्रखंड अध्यक्ष का चयन किया गया। उन्होंने बताया कि आगामी 22 अगस्त को सभी प्रखंडों में और 28 अगस्त को जिला मुख्यालय में धरना प्रदर्शन किया जाएगा। साथ उन्होंने बताया कि हम लोगों का मुख्य उद्देश्य है अपनी पार्टी को आगे बढ़ाना और जनता की सेवा करना। जी नमस्कार, मैं अमरेंद्र सिंह झुम्पा, प्रदेश उपाध्यक्ष और चुनाव प्रभारी भागलपुर। आज भागलपुर में पिछले 2 सालों से नई कमेटी का गठन नहीं हुआ था, जिसमें आज भागलपुर जिला के सभी प्रखंड अध्यक्ष जी लोग आए, जिसमें सर्वसम्मति से नौगछिया प्रखंड अध्यक्षा और हमारी भाभी सोनी देवी का सर्वसम्मति से जिला अध्यक्ष के लिए चयन किया गया। इसके साथ ही साथ जिला संयोजक के पद पर गोराडी के प्रखंड अध्यक्ष हमारे बड़े भाई उमाशंकर रजक जी का मनोनयन हुआ। इसके साथ साथ हम लोग नई कमेटी का गठन करेंगे और प्रदेश के लिए भी सर्वसम्मति से नाम तय करेंगे। ये गठन हम लोगों को आगे क्या दिशा निर्देश जो है हम लोगों को प्रदेश से जो मिला है उसको तीव्र गति से तेज करने के लिए हम लोगों ने टीम का गठन किया है। आगामी 22 तारीख को सभी प्रखंड में धरना प्रखंड अध्यक्ष के द्वारा वार्ड सदस्यों के साथ दिया जाएगा। इसके साथ ही साथ 28 तारीख को फिर पुनः जिला मुख्यालय में धरना दिया जाएगा। इसी कार्यक्रम को लेकर आज हुआ था, हम लोगों ने अपने अधिकारों को टोटल 21 अधिकार का मांग हमने मांग पत्र के द्वारा दिया है। वही मांग पत्र हमें पूरे प्रदेश में हमने दिया है। अपने मांग पत्र के साथ साथ हमने वार्ड सदस्यों के भी मांग को रखा है। जिला प्रखंड अध्यक्ष अभी बनी हूँ। आप सभी प्रखंड अध्यक्षों का मैं धन्यवाद देती हूँ। जैसा अभी इन्होंने बताया, जो आपको मालूम है ये जो कार्य बचे हुए हैं उस कार्य को करना ही है, लेकिन अभी जो कार्य चल रहे हैं, जो हम लोगों का अभी जो लगातार जो ये पंचायत के अधिकार की जो कटौती हो रही है उसके खिलाफ हम लोगों का पहला कार्य रहेगा जो हम लोग प्रदर्शन करेंगे। भागलपुर में 2003-2005 के बीच व 2006 में पंचायत स्तर पर बहाल शिक्षा मित्रों पर गाज गिर सकती है। दरअसल जिले की रंगरा प्रखंड में उक्त वर्षों में बहाल हुए शिक्षा मित्र, जिन्हें बाद में पंचायत शिक्षक नियोजित किया गया, वो अवैध है।
गोरखपुर में डीओ ने प्रखंडों के आदेश जारी किया कि 2003 एवं 2005 का पंचायत शिक्षा मित्र एवं वर्ष 2006 के प्रथम चरण पंचायत शिक्षक के नियोजन में आरक्षण रोस्टर का अनुपालन नहीं किया गया। उक्त वर्ष में शिक्षा मित्र व पंचायत शिक्षकों का नियोजन से संबंधित अभिलेख उपलब्ध कराने को कहा गया है, जिसको लेकर मुखिया संघ के अध्यक्ष अजीत कुमार सिंह ने जिला शिक्षा पदाधिकारी को आवेदन दिया था। वहीं आज भी उन्होंने डीओ से मुलाकात की। डीओ ने कहा कि उन्हें ऐसे शिक्षकों को चिन्हित कर देने को कहा है। चिन्हित करने के बाद वो लिखित रूप से आदेश निर्गत करेंगे, इसके बाद मुखिया उसका प्रमाण रद्द कर सकते हैं। मुखिया संघ के अध्यक्ष अजीत कुमार सिंह ने बताया कि पिछले महीने डीओ से सूचना मांगी गई थी कि 2003, 2005 व 2006 में कितने शिक्षकों की बहाली हुई थी और उन शिक्षकों की रोस्टर के तहत बहाली हुई थी या नहीं। इस पर डीओ ने कहा कि उक्त वर्षों में पंचायत स्तर पर बहाल शिक्षा मित्र व पंचायत शिक्षक फर्जी हैं। उन्होंने कहा कि मदरौनी पंचायत के पूर्व मुखिया ने वहां लाखों रुपए लेकर बहाली की थी। मामले में जिला शिक्षा पदाधिकारी संजय कुमार ने कहा कि उक्त वर्षों में पंचायत शिक्षा मित्र की बहाली हुई थी, जिनको बाद में 1 जुलाई 2006 से शिक्षक के रूप में मान्यता दी गई। ऐसे सभी शिक्षकों के प्रमाण पत्र अवैध है। मैंने मुखिया से कहा है कि नियोजन इकाई के अध्यक्ष वही है, वो अधिकृत है कि प्रमाण पत्र रद्द कर सकते हैं, वो चिन्हित करके दे, उनका अनुमोदन हम करेंगे। जिस भी प्रखंड में ऐसे उक्त वर्षों से शिक्षा मित्र की बहाली हुई है उनके प्रमाण पत्र फर्जी है। जहां भी ऐसा मामला आता है मुखिया और पंचायत सचिव कार्रवाई कर सकते हैं। डीओ साहब से मिलने के लिए आए हुए थे हम। पिछले महीने ही हमने डीओ साहब से एक सूचना मांगा था, जिस सूचना में ये मांगा था कि 2003, 2005 और 2006 में हमारे यहाँ कितने टीचर बहाल हुए थे और उन टीचरों का जो है कि मतलब रोस्टर के अकॉर्डिंग बहाली हुई है कि नहीं हुई है, इसकी हमें जानकारी दी जाए। तो डीओ साहब के द्वारा हमें आवेदन का रिप्लाई दिया गया। उसमें बोला गया कि 2003, 2005 और 2006 में जितने भी टीचर बहाल हुए हैं आपके यहाँ, वो टोटल ही फर्जी है। इसी आधार पे हमने इनको लिखी, ये मतलब डीडीसी को भी दिया था, डीएम साहब को भी दिया था और कमिश्नर साहब को भी लेटर दिया था कि इन लोगों को यदि नियोजन की प्रक्रिया से यदि हमको रद्द करना है तो इन लोगों के द्वारा एक लेटर मिले, उसके बाद हम इन लोग की नियोजन समिति से थी करके और इन लोग को हम इन्वेस्टिगेट करने का कोशिश करेंगे। अधिकृत आप ही हैं? अधिकृत हम ही हैं, चूँकि पंचायत के ही द्वारा इन लोग की बहाली होती थी, तो अधिकृत हम और पंचायत सचिव दोनों ही हैं। और ये पूर्व मुखिया के द्वारा 50,000 1,00,000 रुपया लेकर के इन लोग की बहाली की गई थी और आज के डेट में ये लोग फर्जी पाए गए हैं, तो इन लोग को हम छोड़ने कतई नहीं जा रहे हैं। डीओ साहब भी अभी बोले हैं कि इन लोग का आप हमें चिन्हित करके दीजिए, हम आपको लेटर देंगे, आप फिर नियोजन समिति से इन लोग को इन्वेस्टिगेट कर दीजिए। मदरौनी पंचायत के मुखिया जो वर्तमान में हैं उनके द्वारा यह आप बताया गया कि जो पंचायत शिक्षा मित्र थे जिनकी बहाली 3 और 5 में हुई थी, जिनको बाद में 1 जुलाई 2006 से पंचायत शिक्षक के रूप में मान्यता दी गई और वो वर्तमान में कार्यरत हैं, वैसे कुछ शिक्षकों की जो प्रमाण पत्र हैं वो वैध नहीं है, अवैध है। मैंने मुखिया जी को ऐसे कि स्पष्ट किया कि आप चिन्हित कर लें और चूंकि आप ऐसे के इन कमेटी नियोजन इकाई की कमेटी को ही कार्रवाई करनी है, वही प्राधिकृत ऐसे के प्राधिकार है, अतः आप कार्रवाई करके मुझे ऐसे सूचित कर दें, मेरे द्वारा उनको अनुमोदन कर दिया जाएगा। तो जहां भी बहाली हुई ऐसे मेरे द्वारा ऐसे कई एक ऐसे के पत्र लिखे गए हैं नियोजन इकाई को, विभिन्न विभिन्न ऐसे की तिथियों को। बिहार प्रदेश माध्यमिक शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी महासंघ जिला इकाई भागलपुर के दर्जनों शिक्षकों के द्वारा अपनी मांगों को लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। गौरतलब है कि इन शिक्षकों को 2011 से अनुदान की राशि नहीं मिली है। इन लोगों ने कहा कि 2011 से हम लोगों को अनुदान नहीं मिला है, इसको लेकर हम लोग आज जिलाधिकारी के पास ज्ञापन सौंपने पहुँचे हैं। वही आक्रोशित प्रदर्शनकारियों ने कहा कि 715 वित्त रहित विद्यालय है जिसे सरकार छात्र पासिंग पर अनुदान देती है, अब फिर से जांच की प्रक्रिया की जाएगी, फिर अनुदान की राशि दी जाएगी, या कहीं से सही नहीं है। जब एक बार जांच की प्रक्रिया हो चुकी है तो बार बार क्यों परेशान किया जाता है। वही प्रदर्शनकारियों ने कहा कि इसकी जाँच डीओ नबार्ड एवं 3-4 एजेंसियों द्वारा किया गया है। वही प्रदर्शनकारियों ने कहा कि के पाठक जब से आए हैं वो अपना ही राग अलाप रहे हैं, उन्हें कुछ जानकारी है ही नहीं, सिर्फ के पाठक के माथे पर नीतीश का हाथ है, इसलिए वो मनमानी करना चाहते हैं। 715 जो है वित्त रहित स्कूल है जिसको सरकार छात्र पासिंग पर अनुदान देती है, नवाब वार्ड से 3-4
एजेंसी से जो है जांच कराया गया, उसके बाद अनुदान जो है भुगतान किया गया, उसके बाद सबको अनुदान भुगतान होने लगा। अब जो है यह फिर जो है कहता है कि जांच करेंगे, तो पहले हमारा भुगतान करो उसके बाद तुम जांच करो। पहले हैं हम लोगों का भुगतान करो उसके बाद जांच तो चलते रहेगा। जांच करिए करके ना अनुदानित के श्रेणी में विद्यालय को लाया गया। डीओ जांच किया, नवा वार्ड जांच किया, तीन चार एजेंसी जांच किया, उसके बाद अब उसके नाम पर पैसा नहीं देना है तो मैंने जो है जांच निकाल दिया। कहता है कि कोर्ट का आदेश है, कोर्ट ने उसी स्कूल का जांच का दिया था जो कि लालकेश्वर के रीजन में स्कूल का जो है मान्यता दिया था बोर्ड ऑफिस, उसी को जांच के बाद अनुदान देने का जो है अथि किया था। के पाठक आए, इन्होंने कुछ समझा नहीं, समझे ना उनके के पाठक के माथे पर नीतीश का हाथ है, इसलिए वो जो मनमाना चाहता है अपना जो है निकालता है। तो इसे मना अब की हड्डी बचा है सर, हम लोगों का हड्डी बचा है, अभी तक अनुदान नहीं दिया। हम लोग कैसे पढ़ा रहे हैं, कैसे स्कूल में रह रहे हैं, स्कूल में कोई व्यवस्था नहीं है, फिर भी हम लोग उसको बनाए हुए हैं, आज तक पैसा दिया नहीं। और अपने इसके सरकारी स्कूल में तो मैंने जो है ढेर पढ़ाई होता है, फिर भी हम लोगों का पासिंग। कब से आप लोग का अनुदान नहीं मिला है? 11 से। आज कहाँ आए आप लोग? आज हम लोग डीएम के यहाँ आए हैं ज्ञापन देने के लिए कि जांच बोला गया है, उस जांच को बंद किया जाए, पहले अनुदान दिया जाए। सरकार बोली थी कि आप लोग को स्कूल अधिग्रहण करेंगे और आप लोग भी दर्जा दे, लेकिन उसके बाद सरकार पलट गई, अभी बात आगे कराएंगे। अब जांच करवाना है तो आप जांच के जांच में क्या रखा हुआ है? स्कूल है हमारे पास, बिल्डिंग है, ये चीज है। और आप देखिए, और हम लोग ऐसा भी है कि हर साल मैट्रिक कॉपी जांचने के लिए जाते हैं, आप हमें सरकारी नहीं समझते, फिर जांच क्यों करवाते हैं? जो अभी आप कॉलेज देख रहे हैं, ये महादेव सिंह कॉलेज है, ताड़ोर कॉलेज है, हमारा रामरेखा तिवारी उच्च विद्यालय बाहर है, आइएगा तो 5 एकड़ जमीन है और उसी के बगल में प्लस टू खोला गया है। आप हमें बताइए, उसके बाद आप हमें बताइए वो जमीन कितना, हमको लगता है कि वो 5 कट्ठा भी जमीन ली और आप प्लस टू करती है। आप शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए और 5 एकड़ जमीन लेके लोग बैठे हुए और भी आराम से नाम से ना कि हम इसको कुछ कर सकते हैं। और इतना शिक्षा का अभी मैं कहता हूँ गारंटी के साथ सारे बिहार भीतर स्कूल बंद दीजिए, नीश कुमार का शिक्षा का पर्वत खुल जाएगा। आज भी चैलेंज नीश कुमार को करना हूँ, संतोष पांडे पीरपैति, आज भी रामरेखा तिवारी विद्यालय बाघपत पीरपैति, मैं आज भी चैलेंज करता हूँ सारे भीतर स्कूल को नीतीश बंद करवाए, उसके बाद शिक्षा का नजारा कैसे।